हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश। आप लोग देख रहे हैं एक्स वाई टेक्निकल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि GF का व्हाट्सअप चार्ट अपने फ़ोन में आप लोग कैसे देखेंगे। किसी दूसरे का व्हाट्सअप अपने फ़ोन में चलाना चाहते हैं तो आप लोग किसी दूसरे का व्हाट्सअप अपने फ़ोन में कैसे चला सकते हैं, या किसी का भी व्हाट्सअप आप लोग हैक करना चाहते हैं तो आप लोग उसको व्हाट्सअप आप लोग हैक कैसे कर सकते हैं। आप लोग को बताना चाहते हैं कि किसी का व्हाट्सअप हैक करने के लिए या किसी का व्हाट्सअप चार्ट देखने के लिए सबसे पहले उनका फ़ोन लेना होगा। जब तक उनका फ़ोन आप लोग नहीं लेते हैं तब तक उनका व्हाट्सअप जो है आप लोग हैक नहीं कर सकते। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन कोई जो चार्ट हिस्ट्री है किसी दूसरे का भी है या अपना GF का है किसी का भी है, उनका नंबर से आप लोग चार्ट हिस्ट्री नहीं देख सकते। जब तक उनका फ़ोन नहीं लेते हैं तब तक उनका जो व्हाट्सअप है आप लोग हैक नहीं कर सकते या नहीं देख सकते। तो मान लीजिए ये वाला जो फ़ोन है ये मेरा GF का फ़ोन है, हम इनका व्हाट्सअप अपने फ़ोन में इस फ़ोन में हम चलाना चाहते हैं तो इस फ़ोन में हम लोग कैसे चलाएंगे किसी दूसरे का व्हाट्सअप, उनको पता भी नहीं चलेगा। उनका टोटल डिटेल्स जो है चार्ट हिस्ट्री है या वीडियो कॉल ऑडियो कॉल टोटल कितना नंबर सेव है क्या है नहीं है टोटल हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत ले बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस फ़ोन में अपना फ़ोन में हम GF का व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप चलाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन एक तो डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम प्ले स्टोर को यहाँ से ओपन कर दिए, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आ रहा है, आपको सर्च में यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सअप वेब। यहाँ पे जैसे आप व्हाट्सअप वेब यहाँ पे सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जो कि बहुत सारा यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है जो ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं व्हाट्सअप, इस एप्लीकेशन को क्या करना है यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से इंस्टॉल करके रखे हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर देना है। आप लोग देख पा रहे इस एप्लीकेशन को यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट कर लेना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो एग्री वाला ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे तो आपको क्या करना है एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर कोई भी आपको ऐड देखने को मिलता है तो क्या कीजिएगा, ऐड को देख लीजिएगा, उसके बाद कॉट करने का ऑप्शन आएगा उसको कॉट कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है व्हाट्सअप वेब बोल के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे व्हाट्सअप वेब, आपको क्या करना है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन आपको अलाउ करने के मांग रहा था, आपको क्या करना है अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पे देख पा रहे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कहीं पे भी टच करना है दो बार, जैसे टच करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, जो कि QR कोड है यहाँ पे ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे जो कि QR कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद किसी दूसरे का व्हाट्सअप आप लोग अपने फ़ोन में चलाना चाहते, मान लीजिए ये वाला व्हाट्सअप हम अपने फ़ोन में चलाना चाहते तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्कैन करेंगे, ये वाला जो QR है इसको हम लोग स्कैन करेंगे। तो जैसे हम अपना GF के ये व्हाट्सअप ले लिए हैं उसके बाद इनका व्हाट्सअप हम लोग ओपन करेंगे। जैसे हम लोग इनका व्हाट्सअप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो राइट साइड में 3 डॉट की लाइन है यहाँ पे देख पा रहे, 3 डॉट वाले लाइन पे हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिंक डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे 3 नंबर में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे लिंक डिवाइस, तो हम लोग को क्या करना है लिंक डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे फिर से हम लोग को ऑप्शन आ रहा है लिंक के डिवाइस, यहाँ पे देख पा रहे हम लोग क्या करना है लिंक वाले डिवाइस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यूज पासवर्ड, अगर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड मांगेगा, अगर फ़ोन में पासवर्ड नहीं होगा तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो आप लोग को क्या होगा पासवर्ड जानना होगा, इसको ओपन करना होगा। जैसे इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह के स्कैन करने के ऑप्शन आ रहे, तो आपको स्कैन क्या करना है जे वाला यहाँ पे देख पा रहे QR, तो इसको क्या करना है यहाँ पे स्कैन कर लेना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं तब तक यहाँ पे हम स्कैन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे देख पा रहे लोडिंग हो रहा है, तब तक यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे तो क्या होगा GF के जो व्हाट्सअप चार्ट टोटल जो हिस्ट्री होगा क्वालिटी से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट कर लीजिए। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे ऑलरेडी जो ई वाला व्हाट्सअप है मेरे फ़ोन में यहाँ पे आ चुका है, सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे जो भी हम बात किए होंगे, जो भी फ़ोन वोन और फोटो जो भी होगा यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे जो भी अगर चार्ट हिस्ट्री होगा यहाँ पे
टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे बात, मतलब सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कॉल डिटेल्स जो भी देखना चाहते हैं, ऑडियो कॉल हो या वीडियो कॉल हो, टोटल यहाँ पे चैट हिस्ट्री अपने फ़ोन में आप लोग इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ से कट जाता है तो फिर से आप लोग इसको ओपन कीजिएगा तो सिंपली से क्या होगा, फिर से यहीं पर ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख पा लो ऑलरेडी ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ से स्टेटस भी इनका देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कट करके इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि किनका किनका नंबर सेव है उनके फ़ोन में, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसको अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे लॉग आउट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्हाट्सअप चैट, किसी दूसरे के भी व्हाट्सअप चैट अपने फ़ोन में चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।